चैनल पर सभी ट्रैवलर स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। यह है मेरा भांजा युग, जैसा कि आप सभी जानते हो। तो बहुत दिनों बाद आपका स्वागत है, क्योंकि बहुत दिनों से मैंने ब्लॉग नहीं बनाया। तो आज है 12th of December 2020 और आज है सैटरडे और आज बारिश भी हो रहा है थोड़ा थोड़ा बाहर। तो आज क्लाइमेट भी एकदम सही है, एकदम प्लीजेंट क्लाइमेट है, बहुत ज़रा भी गर्मी नहीं हो रही है। तो अभी हम जा रहे हैं थोड़ा बाहर घूमने के लिए, ऐसे हमने प्लान बनाया, सैटरडे मुझे छुट्टी है। तो हम कहाँ पे जा रहे हैं आज? आज कलंब जा रहे हैं हम, नालासोपारा में है। तो ये भी घर पे बैठे बैठे बोर हो गया था तो सोचा आज थोड़ा घूम के आते हैं। और बीचेस भी यहाँ पे चालू हो चुके हैं ऑलमोस्ट सभी। तो चलिए अभी जाते हैं वहाँ पे और आपको दिखाते हैं कलंब बीच। राइट, प्लीज। आज की हमारी सवारी एक्सेस 125। बीचला जाता जाता नालासोपारा वेस्टला एक बुद्धांचा स्तूप आहे, खूप प्राचीन आहे ते। तर म्हटलं जाता जाता त्यांचं दर्शन पण घ्यावं आणि तुम्हाला पण व्हिडिओच्या मार्फत दाखवावं। तर चला आपण बघूया। ते आय थिंक सो हेच आहे स्तूप, अरे ते नाही, हे बघा हे ते पक्षी। हां हां हेच आहे स्तूप, हे गौतम बुद्धांचं स्तूप आहे, खूप प्राचीन आहे। सोपारा गावमध्ये आहे, नालासोपारा वेस्टला। आम्ही म्हटलं जाता जाता आहे तर आपण बघूया। खूप प्राचीन आहे, याची माहिती मी तुम्हाला देईन, बोर्डावर जी माहिती लिहिली आहे ते मी दाखवेन, तुम्ही स्क्रीनशॉट काढून घेऊ शकता त्याचा। फार छान आहे ते। कॅमेऱ्यामध्ये थोडंसं दिसत नाही आहे, लहान दिसेल, पण हे खूप मोठं आहे ॲक्च्युली। बघा हे बुद्धांची मूर्ती आहे। हा एक असा कंप्लीट असा राऊंड असा स्तूप आहे। बसलो आहोत स्तूपाच्या इथे, असे बेंचेस आहेत छोटे, तुम्ही बघू शकता। तर खूप छान वाटतं इथे बसून, एकदम एकदम शांती वाटते आहे बसल्यावर, आणि म्हणजे एकदम मन शांत वाटतं आहे, म्हणजे खूप शांतता इथे। तुम्ही आला तर कधी तुम्ही बघू शकता। तर आता मी जास्त वेळ नाही थांबू शकत, कारण की ते आय थिंक सो अलाउड आहे की नाही माहीत नाही, पण ते गेट उघडं होतं म्हणून आम्ही आतमध्ये आलो। तर आता आम्ही दर्शन घेतलं तर आणि आता आम्ही पुढे प्रस्थान करतो।
हम पहुंच गए हैं गाइस, तुम्हें क्या मजा आ रहा है इधर पढ़ना लग खींचते तो हम गाड़ी लेके आए यहाँ पे तो सही थे सो गाइस अभी हम आ गए कलम बीच पे बहुत हवा है आई एम सॉरी अगर आपको आवाज ठीक से नहीं आ रही तो और बहुत पब्लिक है आज देखिए आप सैटरडे है आज क्लाइमेट भी बहुत अच्छा है हवा भी बहुत ठंडी आ रही है मज़ा आ रहा है बीच में आप आ सकते हो यहाँ पे रिलैक्स करने के लिए चिल करने के लिए तो अच्छी जगह है बैठने के लिए भी है यहाँ पे स्पोर्ट्स का भी है दिखा तो आपको बाद में फिलहाल तो मैं बीच एंजॉय करता हूँ आप भी एंजॉय कीजिए आता आम्ही गाडी चालवतोय बीचवरती हे बघा